दोस्तों आज हम पुनः बात करने वाले हैं अमेठी जनपद के गौरीगंज तहसील के अंतर्गत रहने वाले मंडका खान गांव के आरिफ और सारस के बारे में। दोस्तों जिस दिन से आरिफ को उसके दोस्त सारस से जुदा करके वन विभाग की टीम समस्तपुर बिहार ले गई, उसके बाद से वो दोनों ही दूसरे के बिना कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये आप लोग रोज़ देख पा रहे होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों कि पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि सारा सारिफ के पास सुरक्षित नहीं था। और हकीकत तो यह है कि जिस तरह से आरिफ और सारस के बीच लगाव था, जो प्रेम था, वो कहीं छुपा हुआ नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए, बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्कों के जरिए सारी की सारी बातें जो हैं आम लोगों के बीच थी। लोग उनकी दोस्ती की काफ़ी तारीफ कर रहे थे और साथ ही जिस तरह से आरिफ ने मानवता धर्म का पालन करते हुए उस पक्षी की जान बचाई थी और फिर उसको अपने परिवार का हिस्सा बनाया था, तो कहीं ना कहीं यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की आधुनिकता में लोग इतना खो चुके हैं कि खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए और खुद को प्रोफेशनल दिखाने के लिए लोग तमाम फैशनेबल रास्ते अपनाते हैं, जो कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, यानी कि इंसान इंसान को देखना पसंद नहीं करता, और कभी कोई आगे बढ़ता है तो लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एक किसान का बेटा अपने उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को जिस तरह से बचाता है, फिर 3 महीना लंबा उसका इलाज करता है और उसके बाद वो बेजुबान पक्षी अपने बचाने वाले के प्रति इतना ज़्यादा वफादार हो जाता है कि वह कतई आरिफ को छोड़ने का नाम नहीं लेता, यानी कि आरिफ से दूर रहकर जीने की तमन्ना नहीं रखता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन पता नहीं, अब मैं इसको क्या कहूँ कि राजनीति की लगी नज़र आरिफ और सारस की दोस्ती को या फिर सियासी नज़र लगी। वहीं पर कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि आरिफ के घर मेरा पहुंचना शायद आरिफ और सारस का अलगाव का कारण हो सकता है। वहीं पर बहुत सारे लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं यह बात हो सकता है कि आरिफ और सारस के बीच सियासी जंग आड़े हाथ आई, राजनीतिक बात जो है आड़े हाथ आई। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल जो भी हुआ वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। हम मानते हैं कि किसी भी पक्षी को, पशु को बंधक बनाकर रखना उचित नहीं है, लेकिन पक्षी तो वहाँ भी सुरक्षित था, क्या दिक्कत थी वहाँ पर? आखिर जिस तरह से वो खुले वातावरण में रहता था, वो कोई छुपी हुई बात नहीं थी। रोज़ आप लोग देख पा रहे थे कि उनकी जो दोस्ती थी वो कितनी प्रगाढ़ थी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में जगना, तमाम वो सारी क्रियाएं जो है दोनों की एक साथ हुआ करती थी। आरिफ की बात करें तो जैसे ही सूर्योदय होता था तो वह बंदा हमेशा से चाहता था कि उसकी सबसे पहली नज़र उसके दोस्त सारस पर पड़े। और जब से आरिफ को सारस से अलग किया गया तब से वह किस हाल में है, किस तरह जी रहा है, कैसे रह रहा है, इस पर कभी किसी ने कल्पना नहीं की।
वन विभाग की टीम सारस को लेकर तो गई, लेकिन एक बेपरवाह तरीके से उसको छोड़ भी दिया, जहाँ पर पक्षी भटकता नजर आया। फिर भटकते भटकते आरिफ को ढूंढते ढूंढते किसी गांव में पहुंचा। फिर उस गांव के लोगों ने दरिया दिली दिखाते हुए उस पक्षी को जो है भोजन पानी कराया, क्योंकि उसका जो लगाव है वो कहीं ना कहीं इंसानों के प्रति हो चुका है, वो इंसानों के बीच में रहा है, इंसानों से उसका लगाव हो चुका है, तो वो कैसे रहेगा वहाँ पर। बता दें कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि पूरे भारतवर्ष में जमकर यह तस्वीर वायरल की जा रही है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया सहित बड़े बड़े न्यूज नेटवर्कों पर सुर्खियों में बनी हुई है। और जिस तरह से अलग किया गया है इन दोनों को, वह बेहद गलत है, शर्मनाक है, मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और अभी तक तो यह था आरिफ के मन में कि चलिए ठीक है, मेरे घर से 10-20-50 किलोमीटर की दूरी पर या जितनी भी दूरी हो उतनी दूरी पर था, तो यह सोचकर जो है वो थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लेता था। लेकिन आज उसको वहाँ से हटा के लखनऊ भेज दिया गया है। अब बताइए कि कहीं ना कहीं एक पक्षी को लेकर इतना बड़ा जो प्रोपोगंडा बन रहा है वो कतई उचित नहीं है। और कायदे की बात तो यह होती, खुशी तब मिलती जब उसको जो है आरिफ को सौंप दिया जाता, और अभी भी समय है कि उसको आरिफ को सौंप दिया जाए। और क्योंकि अभी यह बात किसी से छुपी नहीं है, अगर आरिफ के पास भी वह सारस रहता है तब उसको किसी भी तरह कोई दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार आरिफ होंगे। वन विभाग को चाहिए कि आरिफ को एक जिम्मेवारी के रूप में उसको सौंप दिया जाए और समय समय से उसकी देखभाल जो है की जाए कि क्या उसका माहौल है, क्या उसका सिचुएशन है। और आरिफ को इससे पहले भी वन विभाग ने हिदायत दी थी कि आप इसको टच ना करें, इसको जो है छुए ना, दूर से जो है इसके साथ पेश आए, तो आरिफ मान भी गए थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम इसको टच नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से रहना चाहता है वह रहे। और बता दें कि वह पक्षी इतना आज़ाद था कि आरिफ ने कभी उसको बंधक नहीं बनाया, वो उड़कर चला भी जाता था अपने परिवार वालों में, अपने परिवार वालों के साथ, और परिवार में सारा दिन रहता था, लेकिन शाम को समय रहते वो वापस जो है उड़कर सीधा आरिफ के घर आ जाता था, आरिफ के पास। तो आज़ादी तो था, कहाँ था वो बंद। फिलहाल जो मैं सोचता हूँ वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस बंदे की जो हालत है इस वक्त वो देखी नहीं जा रही है। और फिलहाल संवेदना होती है सबकी, भाई किसी की संवेदना इंसान के प्रति होती है, किसी की संवेदना पक्षी के या कोई भी हो, ठीक उसी तरह से आरिफ की संवेदना सारस से और सारस की संवेदना आरिफ से जुड़ी, दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। और दोस्तों बता दें कि कहा जाता है कि जो सारस पक्षी होता है वह हमेशा जोड़े में रहना पसंद करता है, और अगर उनका जोड़ा फूट गया, दोनों में से कोई एक बिछड़ गया, तो जो एक होता है वो दाना पानी उसी दिन से छोड़ देता है, फिर वो जी नहीं पाता, क्योंकि ये हमेशा से जोड़े में रहते हैं, साथ जीते साथ मरते हैं। तो कहीं ना कहीं आरिफ को उस पक्षी ने अपना जोड़ा मान रखा था, यही कारण है कि जिस तरह से वन विभाग की टीम उसको लेकर गई समस्तपुर बिहार में छोड़ती है, उसके बाद वह पक्षी वहाँ से उड़कर आरिफ को ढूंढते हुए इधर उधर भटकता रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई झूठी खबर भी अगर चला देता है कि नहीं आज आरिफ के पक्षी को यहाँ पर देखा गया, आरिफ का पक्षी यहाँ पर चोट खा गया या ऐसा, तो उस बंदे की जान निकल जाती है, वह बंदा अंदर से हताहत हो जाता है, परेशान हो जाता है और मिन्नतें करता है कि हे ईश्वर उसको कुछ ना हो। फिलहाल मेरी नज़र में तो उचित नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको आरिफ को सौंप देना चाहिए। और एक इंसान और एक पक्षी की जो दोस्ती है वो काफ़ी बेमिसाल है, और लोगों के लिए एक सबक भी है। आए दिन आप देख पा रहे होंगे कि इंसान इंसान को पसंद नहीं करते, मानवता को शर्मसार करते हैं, वहीं पर आरिफ ने एक मिसाल पेश की है मानवता की, प्रेम की, हमें किस तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना के साथ रहना चाहिए, फिर वो चाहे पशु हो या पक्षी हो या फिर इंसान हो। तो कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश की थी आरिफ ने। फिलहाल जो भी हुआ वह उचित नहीं था, और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, उसको जो है वापस कर दे,
और काफ़ी जिम्मेदारी भी दे दें, जो भी वन विभाग की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप जो है आरिफ को हिदायत भी दी जाए कि इस तरह से इसको रखा जाए, इस तरह से इसकी सेवा की जाए, इस तरह से इसकी परवरिश की जाए, और समय समय से जो है जाकर वहाँ पर वन विभाग की टीम को देखते रहना चाहिए कि कैसा है, किस सिचुएशन में है, या फिर उसका माहौल क्या है, उसकी सारी गतिविधियों पर जो है नज़र रखनी चाहिए। लेकिन सारस पक्षी को आरिफ को सौंप देना चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ तक मेरी राय है तो मेरी तो राय यही है कि सारस को और आरिफ को जो है जुदा ना किया जाए, उनको साथ में रहने दिया जाए। और बता दें कि आज यहाँ से भी उसको दूर ले जाया गया लखनऊ के लिए, और यह जानने के बाद आरिफ ने दोबारा वो तस्वीरें साझा की हमारे साथ जो कि छुपी हुई नहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर से आरिफ और सारस की जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस यही अपडेट मेरे पास थी। तो अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।